अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। रिटायरमेंट चैप्टर है हमारा ये। सो क्वेश्चन सेज द फॉलोइंग इज अ बैलेंस शीट ऑफ राम मोहन एंड सोहन एज एट 31 मार्च 2010। तो हमें तीन पार्टनर्स की बैलेंस शीट दी हुई है जिनका नाम क्या है, राम मोहन एंड सोहन, ठीक है। कब दी है ये, मार्च 2010 की बैलेंस शीट दी है। अच्छा, बैलेंस शीट में हमें दिया हुआ है उन्होंने लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर्स है, रिजर्व फंड है, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल गिवन है। एसेट साइड की बात करें तो टूल्स है, फर्नीचर है, स्टॉक है, डेटर है, कैश एट बैंक है और कैश इन हैंड भी है। आगे क्वेश्चन कहता है, राम मोहन एंड सोहन शेयर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन अ रेशियो ऑफ 2:2:1। तो इनकी आपस की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:2:1। आगे क्वेश्चन कहता है, सोहन डाइड ऑन 30 जून 2010। सोहन की डेथ हो जाती है इन पार्टनर्स में से। सोहन की डेथ कब हो रही है, सोहन की डेथ हो रही है 30 जून 2010 को, ठीक है। नाउ अंडर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट द एग्जीक्यूटर्स ऑफ सोहन वाज एंटाइटल्ड टू। अब जो सोहन डेथ हो गई है इसकी, तो सारा पैसा जितना भी क्लेम है उसका किसे मिलेगा, उसके एग्जीक्यूटर को मिलेगा। अब उसके एग्जीक्यूटर को क्या मिलेगा, क्या इंटाइटलमेंट है एज पर द पार्टनरशिप डीड, उसकी बात करें तो सबसे पहले उसने कहा है अमाउंट स्टैंडिंग टू द क्रेडिट ऑफ हिज कैपिटल अकाउंट, जितना क्रेडिट का कैपिटल का बैलेंस है उसका, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट मिलेगा उसे अमाउंटिंग टू 150 रुपीज, इस पर कैलकुलेट करके दिया हुआ है, हमें कैलकुलेशन नहीं करनी। 150 रुपए का कैपिटल पर इंटरेस्ट मिलेगा। हिज शेयर ऑफ गुडविल 5000, गुडविल का शेयर भी बता दिया उसका कितना है 5000। वो कौन देगा, गेनिंग पार्टनर्स दे देंगे क्योंकि ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। नाउ पॉइंट नंबर डी, हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम द क्लोजिंग ऑफ द लास्ट फाइनेंशियल ईयर टू द डेट ऑफ डेथ अमाउंट टू 750। उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट भी निकाल कर दे दिया उन्होंने 750 रुपए। ये कैलकुलेशन अब पहले करते थे, इस बार उसने गिवन दी है तो कोई इश्यू नहीं है, हम गिवन के हिसाब से ट्रीट करेंगे इसे। और ये क्वेश्चन इन चीजों के लिए आसान भी हो गया, शायद क्वेश्चन कुछ और नया हमें मुश्किल काम दे दे, देखते हैं क्या देता है। नाउ सोहन्स एग्जीक्यूटिव वाज पेड 1775 ऑन 1 जुलाई 2010। सोहन के एग्जीक्यूटर को हमें 1775 रुपए हमें देने हैं 1 जुलाई को, यानी अगले ही दिन देने, डेथ के अगले दिन नगद देना है, कैश देना है ये। एंड बैलेंस इन फोर इक्वल ईयरली इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 30 जून 2011 विद इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम। बाकी हमें चार इंस्टॉलमेंट में देने हैं और पहली इंस्टॉलमेंट कब दी जाएगी, ये दी जाएगी 30 जून 2011 से। नाउ क्वेश्चन सेज पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड ड्रॉप सोहन्स अकाउंट टू बी रेंडर्ड टू हिज एग्जीक्यूटर्स एंड सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट टिल फाइनली पेड। तो क्वेश्चन ने हमसे एक्स्ट्रा क्या मांग लिया यहाँ पर, एक तो उसने बोल दिया जर्नल एंट्री बनाओ और उसके एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाओ जब तक कि वो फाइनली पे नहीं हो जाए, यानी उसकी चार जो इंस्टॉलमेंट जानी है वो तो आखिरी तक पे ना हो जाए तब तक अकाउंट बनाकर दिखाओ, ठीक है। तो काम करते हैं, क्वेश्चन पर आते हैं, जर्नल एंट्री से स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। देखिए तो जर्नल एंट्री में हम सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जर्नल, जर्नल में सबसे पहली एंट्री हम लिख रहे हैं, मैं नंबरिंग 1 2 3 देता हूं, रोमन नहीं देता। फर्स्ट एंट्री क्या होगी, फर्स्ट एंट्री हमारे पास होगी अमाउंट स्टैंडिंग टू हिज क्रेडिट। इसकी तो कोई जर्नल एंट्री नहीं है, तो कैपिटल अकाउंट में अपने आप आ रखा है बैलेंस। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अमाउंट टू 150। अब इसकी बात करते हैं, इसकी एंट्री लिख लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट। हमें उसे ब्याज देना है उसकी कैपिटल पर 150 रुपए का, तो वो हम उसे ब्याज दे दें। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउड, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ किया गया, दिया गया। अच्छा, सेकेंड एंट्री क्या होगी, यहां पर आए, सेकेंड एंट्री कहता है इज शेयर ऑफ गुडविल, उसे गुडविल का शेयर देना है। अब देखिए डेथ हुई है सोहन की, तो रिमेनिंग पार्टनर कौन बचे हैं, राम और मोहन। और आगे क्वेश्चन ने कहीं नहीं बताया कि जो रेशियो है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ये चेंज हुई है, यानी ओल्ड रेशियो ही न्यू रेशियो बनेगी, तो जाहिर सी बात है गेनिंग रेशियो भी ओल्ड रेशियो ही हो जाएगी, ठीक है। यानी गेनिंग रेशियो हमारे पास है 2:2 या फिर 1:1 कह सकते हैं आप। तो गेनिंग रेशियो में राम और मोहन, राम के कैपिटल अकाउंट से हम पैसा निकालेंगे, उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, मोहन के कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे और इससे हम उसे जो रिटायर डिसीज्ड पार्टनर है यानी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है सोहन, उसके कैपिटल अकाउंट में गुडविल का पैसा दे देंगे, ठीक है।
यानी इसका अकाउंट क्रेडिट कर देंगे, 5,000 से क्रेडिट होना है, दोनों बराबर बराबर देंगे तो 2,500 2,500, ठीक है जी, ये 5 है, ठीक है। चलिए अच्छा, इसके बाद आते हैं नेक्स्ट एंट्री पर। चलिए इसकी नरेशन लिख दो पहले, नरेशन। नाउ बीइंग गुडविल एडजस्टेड, जो गुडविल का प्रीमियम था वो एडजस्ट कर दिया गया सैक्रिफाइसिंग टू गेनिंग पार्ट टर्म। थर्ड एंट्री पर आए हम लोग, तो थर्ड एंट्री क्या है हमारे पास, देखें प्रॉफिट देना है उसे हमने टिल द डेट ऑफ डेथ ₹750 का, तो इसकी भी एंट्री करें। पीएनएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, उसके कैपिटल अकाउंट में ₹750 का प्रॉफिट देना है हमें, तो वो भी दे दिया हमने पीएनएल सस्पेंस के थ्रू, क्योंकि साल अभी खत्म नहीं हुआ। बीइंग प्रॉफिट गिवन टू सोहन, उसे प्रॉफिट में हिस्सा दे दिया गया है, ज्यूम किया गया 750, क्वेश्चन ने बताया था हमें, ठीक है। इसके बाद आते हैं आगे, बस लास्ट है ये हमारे पास। अब एक बार वापस आए बैलेंस शीट पर, देख लो बैलेंस शीट में कोई एक्युमुलेटेड रिजर्व या सरप्लस तो नहीं है, उसकी एंट्री और कर दे। हाँ जी, हमारे पास है, कोई एक्युमुलेटेड लॉस तो नहीं है, सरप्लस है, रिजर्व है, रिजर्व फंड ₹7,500 का है। अब रिजर्व तीनों पार्टनर से बटेगा, ओल्ड रेशियो में बटेगा, मैं केवल एंट्री कर रहा हूं यहां पर आपके पास सोहन के अकाउंट की। तो रिजर्व फंड अकाउंट डेबिट टू सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन के कैपिटल अकाउंट में कितना अमाउंट जाएगा, देखिए 7,500 के 5 हिस्से कर दीजिए, 7,500 के 5 हिस्से करेंगे तो एक हिस्सा कितना आएगा ₹1,500, तो 1,500 इसका तो एक हिस्सा ही बनता है, उसमें ₹1,500 से दे दीजिए, बाकी 6,000 रुपए इन दोनों में बढ़ जाएंगे, यानी 3,000 3,000 राम मोहन को मिलेंगे। बट मैं उसकी एंट्री नहीं करके दिखा रहा, क्योंकि मुझे अकाउंट एसी का ट्रीट करना है, तो मैं बाकी ट्रांसफर नहीं कर रहा, मैं रिजर्व का कुछ हिस्सा ट्रांसफर कर रहा हूं बस इसको, बाकी भी हुआ है आज के समय, बाकी लोगों में बटा होगा, पर मैं एंट्री को दिखा नहीं रहा। बीइंग रिजर्व शेयर ट्रांसफर्ड टू सोहन्स कैपिटल, सोहन्स कैपिटल, ठीक है। चलिए जी, तो ये सारी चीजें उसे मिलनी चाहिए थी एट द टाइम ऑफ डेथ। अब आ जाइए क्वेश्चन ने अगली चीज हमसे क्या मांगी है, जब उसने मांगा है सोहन का कैपिटल अकाउंट और उसके एग्जीक्यूटर्स का अकाउंट, अब मुझे क्या करना है, मुझे टोटल करना है कि कितना अमाउंट आज सोहन का बनता है, उस अमाउंट को मुझे उसके अकाउंट से निकाल के एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डालना है, फिर पहला कैश अमाउंट देना है 1,775 का, और बाकी जो बच जाएगा वो 4 इंस्टॉलमेंट में देना है, यानी उन सब की जर्नल एंट्री बची हुई है। तो आप एक काम कीजिए, सफिशियंट स्पेस छोड़ दीजिए, लगभग हमारे पास ये 4 एंट्री हो गई, 17-18 एंट्री हमारे पास हो जाएंगी अप्रोक्सीमेट, ठीक है। क्यों होगी 17-18 एंट्री, उसका एक कारण है, मैं आपको अभी समझाता हूं, देखिए, पर मैं पहले उससे कैपिटल अकाउंट बना दूं, फिर एंट्रीज में समझा दूंगा ज्यादा क्यों होंगी, ठीक है। क्योंकि आप तो सोच रहे होंगे सर, एक ट्रांसफर, एक इमीडिएट पेमेंट और 4 पेमेंट और करनी है, यानी 4 और 2 6 एंट्री होनी चाहिए, यानी 10 एंट्री होनी चाहिए, अभी और भी एंट्री होंगी देखिए, पर पहले उससे पहले कैपिटल अकाउंट बना लो। ये कैपिटल अकाउंट पहले क्यों बनवा रहा हूं आपको, और यहां पर 18 एंट्रीज का स्पेस इसलिए छुड़वा रहा हूं, क्योंकि अगर अभी कैपिटल अकाउंट नहीं बनाता तो कहीं वर्किंग नोट में दिखाना पड़ता कि कितना अमाउंट उसके कैपिटल से एग्जीक्यूटर के अकाउंट में जाएगा। चलिए, तो कैपिटल अकाउंट बना ले हम लोग, मैं पूरा फॉर्मेट नहीं बना रहा, अमाउंट पर्टिकुलर आप लिख लीजिएगा, सोहन्स कैपिटल अकाउंट, सोहन का कैपिटल अकाउंट बनाकर दिखा रहा हूं। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन, उसका ओपनिंग बैलेंस लिखिए, देखिए बैलेंस शीट में मिलेगा ओपनिंग बैलेंस, उसका बैलेंस है ₹10,000। उसके बाद देखिए क्या क्या मिला है, सबसे पहले उसे मिला है इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट कितना मिला है ₹150 मिला है इंटरेस्ट। उसके बाद में से मिला है गुडविल का शेयर, किससे, राम, राम से और मोहन से, ये दोनों क्या है, गुडविल का अमाउंट है, ठीक है, ₹5,000 मिला है इसे, यानी 2,500 दोनों से मिला है। इसके बाद आते हैं पीएनएल से प्रॉफिट मिला है बाय पीएनएल सस्पेंस अकाउंट,
कितना आ गया ये 750, 750। इसके बाद हमारे पास है रिजर्व फंड में भी उसका हिस्सा मिला है उसे कुछ, रिजर्व फंड से कितना अमाउंट मिला है 1500 रुपए, यानी 1500 रुपए। तो ये सारे अमाउंट मिले हैं। अब एक काम कीजिए जल्दी से, आप मुझे इसका टोटल बता दीजिए कितना आ रहा है। किया किसी ने कितना बता रहा है 17400। ठीक, तो ये 17400 जो आया ये सारा अमाउंट कहां ट्रांसफर होगा, उसके एग्जीक्यूटर्स के अकाउंट में होगा, टू सोहंस एग्जीक्यूटर अकाउंट। और ये क्या है मेरे लिए बैलेंसिंग फिगर है 17400 रुपए। ठीक है जी, ये बैलेंसिंग फिगर है और ये जाएगा सोहन के अकाउंट में, और यही सॉरी सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में। अब ये जो मैंने अकाउंट ट्रांसफर किया कैपिटल से सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में, इसकी एंट्री देखिए आप, इसकी एंट्री क्या होगी, एंट्री नंबर 5, सोहन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर अकाउंट, कितना अमाउंट है 17,400। ठीक है, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर्ड टू एग्जीक्यूटर, ये एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दिया, यानी अब हमारी लायबिलिटी एग्जीक्यूटर के लिए बन गई, क्योंकि सोहन तो है ही नहीं, उसको तो पैसा कहां से देते, तो सारा पैसा हमने उठा के कैपिटल अकाउंट से एग्जीक्यूटर के अकाउंट में डाल दिया। अब एक काम कीजिए आप, मेरे पास स्पेस थोड़ा कम पड़ेगा, तो आप क्या करेंगे कि इस पार्ट को और ये जर्नल एंट्रीज को मैं दोनों को इरेज करूंगा। ठीक है, तो आप एक काम कीजिए, इन्हें नोट डाउन कर लीजिए और फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो जल्दी से नोट डाउन कीजिए, एंट्री नंबर 5 हो चुकी है, इस अमाउंट को हम उसके एग्जीक्यूटर में ले जाएंगे, और मैं यही आपको समझाऊंगा कि क्यों हमें ज्यादा एंट्रियां करनी पड़ेंगी इस केस में, क्योंकि डेट का इश्यू है। ठीक है, जल्दी से आप इसे लिख लीजिए। हाँ जी, तो मैंने फॉर्मेट बना दिया एग्जीक्यूटर अकाउंट का, और अब मैं आपको समझाता हूं हमें ज्यादा एंट्रियां क्यों करनी पड़ेंगी। देखिए, क्वेश्चन ने हमें कहा है कि उसकी डेथ हुई है कब, मैं इसको इरेज कर दूंगा, आपको समझा रहा हूं, डेथ हुई है 30/6/10 को। ठीक है, अगले दिन यानी 1/7/10 को हमें उसे क्या करना है, आज के दिन ड्यू कितना है 17,400 ड्यू है, इसमें से 1,775 रुपए तो आप पे कर देंगे आज। उसके बाद फिर क्या करना है, आपने पे करना है 30/6/11 को, यानी कि इसके बीच में साल का अंत होगा, सपोज यहां 31 मार्च 2011 आएगी, ईयर एंड होगा, बुक्स क्लोज होंगी, तो यहां पर जब ईयर एंड होगा और पेमेंट यहां होगी, पहले साल का क्या होगा, इस साल का जो ब्याज है, इस साल का ब्याज दिया जाएगा कौन से अमाउंट पर, 17,400 में से 1,775 हटाने के बाद। ठीक है, तो जो ब्याज देंगे यहां तक का ब्याज क्या कहलाएगा, इस पीरियड का ब्याज, ये पीरियड, ये कहलाएगा एक्रूड बट नॉट ड्यू, एक्रूड बट नॉट ड्यू, और ये वाला पीरियड का अलग। तो यहां पे आपको ब्याज, क्योंकि बुक्स क्लोज कर रहे हैं तो इतने पीरियड का ब्याज दिखाना होगा, तो एक एंट्री तो यहां पर पास होगी इंटरेस्ट की, ठीक है, एक एंट्री यहां पर पास होगी इंटरेस्ट की, दूसरी एंट्री यहां पर पास होगी इंटरेस्ट की, और यहीं पर तीसरी एंट्री होगी जिसमें फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पे होगा विद प्रिंसिपल एंड इंटरेस्ट, ऐसे ही अगले साल काम होगा, एंड सो ऑन, ये हर बार होगा, यानी आपको इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू दिखाना पड़ेगा। ठीक है, कब दिखाना पड़ेगा, 31 मार्च को, और यहां पर क्या होगा, तीन महीने का इंटरेस्ट भी दिखाएंगे और आखिरी में पेमेंट भी करेंगे, यानी आप मान लीजिए हर साल तीन एंट्रियां हो जाएंगी। ठीक है, इसके कारण हमारी एंट्रीज बढ़ेगी। चलिए कोई बात नहीं, आपको कहें तो मैं अगला ईयर और समझा दूं, सपोज ये चल रहा है, दोबारा आ गया 31 मार्च 12, ये क्या था 31 मार्च 11, तो आप फिर यहां पर 9 महीने का, क्योंकि ये 30 है, ये 9 महीने फिर आ गए, जैसे ये 9 महीने थे और ये 3 महीने थे, तो यहां पर फिर आएगा आपका इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू, क्योंकि पेमेंट तो कब होनी है, पेमेंट होनी है 30/6/12 को, यहां पर फिर एक इंटरेस्ट आएगा जो कि अक्रूड भी हो जाएगा, अक्रूड
एंड ड्यू भी हो जाएगा और यहीं पर एक एंट्री और आएगी किसकी, इंस्टॉलमेंट पेमेंट की, इंस्टॉलमेंट पे करने की। ये सिलसिला चलता रहेगा कब तक, जब तक चार इंस्टॉलमेंट पे ना हो जाए। मैंने तो आपको दो करके दिखाया, ऐसे चार इंस्टॉलमेंट पे होनी है। तो ये अकाउंट हम बनाएंगे। चलिए जी, तो मैं इस पार्ट को इरेज करता हूं, हम अपने पॉइंट पर आते हैं। अच्छा, मैंने जो एग्जीक्यूटर का अकाउंट बनाया तो मैंने आपको वहां तक कैपिटल अकाउंट में लिखा था, कैपिटल में क्रेडिट डेबिट में टू सोहन एग्जीक्यूटर। तो सोहन का एग्जीक्यूटर अकाउंट क्रेडिट हुआ था, तो मैंने क्रेडिट एंट्री पोस्ट कर दी है यहां पर पहले ही, ठीक है। अच्छा, ये एंट्री किस दिन पोस्ट हुई होगी, ये एंट्री पोस्ट हुई है 30/6/2010 को। चलिए जी, आगे चले यहां से हम लोग। अब मैं इस टाइम लाइन को इरेज कर देता हूं, ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया था आपके। चलिए आगे आते हैं। तो क्वेश्चन ने कहा है हमें कि हमें 1/7/10 को हमें पेमेंट करनी है नगद में, यानी बैंक से कर रहे हैं हम लोग, कितना, 1775 रुपए, ठीक है जी। 1775 पे कर दिए। अब अगली पेमेंट होनी है अगले साल 30 जून 2011 को। तो साल तो खत्म कब हो जाएगा, साल खत्म हो जाएगा 31/3/11 को। अब ये 9 महीने हो गए, जून से मार्च 9 महीने हो गए। इस 9 महीने का ब्याज तो लगाना पड़ेगा, आप लिख दीजिएगा बाय इंटरेस्ट ऑन द लोन, या बाय इंटरेस्ट लिख दीजिए, केवल बाय इंटरेस्ट की मैं सही से लिख देता हूं, बाय इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। चलिए जी, तो इंटरेस्ट अमाउंट कितना आएगा हमारा, ये देखें हम लोग कितना निकालेंगे इंटरेस्ट अमाउंट, आप बताइए। इंटरेस्ट हम निकालेंगे किस अमाउंट पर, इंटरेस्ट निकालेंगे हम 17,400। जो 17,400 है इसमें से 1775 माइनस कर दीजिए और मुझे बताइए कितना अमाउंट आएगा। कितना बता रहे हैं, 15,625, ठीक है, 15,625 रुपए। इस अमाउंट पर आप कितने दिन, किस रेट से निकालेंगे, 6% से इंटरेस्ट निकालिए। तो 6% का मतलब क्या हो जाएगा, 6/100, और ये कितने दिन का है, ये 9 महीने का इंटरेस्ट निकाल दीजिए आप। तो मुझे कैलकुलेट करके बताइए, 15,625 पर 6% के हिसाब से 9 महीने का ब्याज, ठीक है, बताइए जी कितना अमाउंट आएगा। हाँ, 15,625 पर, ठीक है, कितना, 6% के हिसाब से 9 महीने का ब्याज निकालो, बताइए कितना अमाउंट आएगा जल्दी से, मैं वेट कर रहा हूं आपका। कितना बता रहे हैं, 703 रुपए पॉइंट कुछ आ रहा है, कितना आ रहा है, 0.12। तो 12 को छोड़ देते हैं, केवल 703 रुपए के ब्याज को ले लेते हैं, तो ये अमाउंट आ गया 703, ठीक है जी। अब इस साल को क्लोज करें, हम इस साल को क्लोज करेंगे तो अमाउंट बताइए कितना आएगा, ये आएगा 03 और ये आ गया हमारे पास 7 और 4 11 और ये 18,103 रुपए आ गया अमाउंट हमारे पास, 18,103 इधर भी चाहिए, 18,103 रुपए यहां भी चाहिए। तो यहां पर क्या देगा, टू बैलेंस कैरी डाउन, और ये किस दिन आएगा, 31 मार्च 2011 को। तो मुझे बता दीजिए डिफरेंस आप निकालकर कि कितना अमाउंट आ जाएगा ये। अब क्या कीजिए, 18,103 में से 18,103 रुपए में से माइनस कर दीजिए 1775 रुपए, तो कितना आ गया बताइए, कितना बता रहे हैं, 16,328, ठीक है, 16,328 रुपए। अच्छा, 16,328 कैसे बनाया, 15,625 प्लस 703 रुपए, ये दोनों मिलाकर कितना बन गया, 16,328 आ गया। अब ये आ गया अगले साल के ओपनिंग में, 1/4/11 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, कितना आ गया, 16,328 रुपए, ठीक है। अब इसमें हमें पेमेंट कब करना है, हमें पेमेंट करना है 30 जून 2011 को, मतलब 3 महीने बाद। तो 3 महीने का ब्याज लो सबसे पहले, तो मैं डेट डाल देता हूं 30/6/11 को। यहां पर सबसे पहले तो इंटरेस्ट लीजिए, क्योंकि इंटरेस्ट देना है ना, तो हमारा खर्चा है, पर जिसका लोन है हमारे लिए, सोहन के एग्जीक्यूटर हमारे लिए क्या है, एक लोन की तरह है, हमें उसे ब्याज देना है। अब ब्याज कितने पर देंगे, देखो 9 महीने का ब्याज तो इस अमाउंट पे निकाल लिया,
बाकी 3 महीने का ब्याज अभी और लेना है क्योंकि साल भर की इंस्टॉलमेंट है ना, तो साल भर का ब्याज जाएगा। तो यहां पर 15,625 गुना में 6% 3 महीने के लिए निकाल लीजिए, ठीक है। ऐसा भी कर सकते हैं, 703 को आप 3 हिस्से भी कर सकते हैं क्योंकि ये ठीक है ना, 3 हिस्से हैं तो डिवाइड बाय 3 भी कर सकते हैं, पर कोई दिक्कत नहीं। 15,625 पर आप 6% निकाल लीजिए, कितने दिन के लिए, 3 महीने के लिए। तो मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, कितना बता रहे हैं बेटा, 234 रुपए। पॉइंट क्या है, पॉइंट है आगे कितना है, 3, तो 234 रख लेते हैं, पॉइंट 3 तो है, 5 के ऊपर होता तो अगले पे जाते, 234 रुपए रखते हैं। ये 234 रुपए आ गए हमारे पास, 234। अच्छा एक काम कीजिएगा, आपके बुक से हो सकता है हमारा 1-1 रुपए का डिफरेंस आ जाए क्योंकि हम अप्रोक्सीमेट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसमें कोई इश्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेशन से कभी आंसर गलत नहीं होता, ठीक है। चलिए जी, अब हम इसे पेमेंट कर देते, पेमेंट भी इसी दिन होगी, लोन कम होगा तो इधर ही आएगा, किस दिन, 30/6/2011 को, टू बैंक, हम बैंक से उसे पे करेंगे। और देखो बैंक से हम क्या पे करेंगे, हम उसे कह रहे हैं 15,625 के आप 4 हिस्से कर लीजिए, ठीक है, प्लस में मुझे बताइएगा 15,625 के 4 हिस्से कितने होंगे, प्लस ब्याज 703 9 महीने का और 234 कितने दिन का, 3 महीने का। तो पहले 15,625 के आप मुझे 4 हिस्से करके बताइए कितना आएगा, जल्दी से 4 हिस्से कीजिए आप और मुझे बताइए सॉरी हाँ जी कितना आ रहा है, 3906 पॉइंट आ रहा है, कुछ कितना आ रहा है पॉइंट में आगे बताइए, बताइए कितना आ रहा है, 0.2 है तो 3906 रख लेते हैं 3906 ये क्या है, ये प्रिंसिपल का अमाउंट है और ये इंटरेस्ट है। अब इन सबको क्लब कर दीजिए, टोटल कर दीजिए और मुझे बताइए कितना अमाउंट हम पे करेंगे इसको, मुझे बताइए आप जल्दी से बताइए, मैं वेट कर रहा हूं। हाँ जी बताइए, 3906 प्लस में 703 रुपए करो और करो 234 रुपए एड। हाँ जी कितना हो गया ये, 4,843 रुपए। अब ठीक है हो गया, ये कब हुआ, 30 जून 6 तक का काम हुआ, ये तो हमने इंस्टॉलमेंट पे कर दिया। अब हम बुक्स कब क्लोज करेंगे, 31 मार्च को, जब 31 मार्च को क्लोज करेंगे तो हम क्या कहेंगे, हमें इंटरेस्ट देना है, 9 महीने का ड्यू करना है, अक्रूड बट नॉट ड्यू, तो एंट्री तो होगी, तो एंट्री हम करते हैं 31 मार्च 12 को, हम इंटरेस्ट की एंट्री कर रहे हैं बाय इंटरेस्ट अकाउंट। ये जो एंट्री की थी ना जैसे ये वाली, ऐसे ही एंट्री दोबारा कर रहे हैं क्योंकि 9 महीने, क्योंकि साल खत्म होने वाला है 31 मार्च को, ब्याज तो जोड़ के रखें, तो ब्याज अब कैसे आएगा, अब देखो 15,625 में से 3,906 तो चले गए, तो जो रिमेनिंग अमाउंट बचा है उसी पर ब्याज देंगे, तो रिमेनिंग अमाउंट कैलकुलेट करके बताओ मुझे कितना बचा है। आप क्या करो, 15,625 में से माइनस कर दो कितना, 3906, ठीक है। चलिए जी तो बताइए कितना आ जाएगा, कितना बता रहे हैं, 11,719 रुपए पर मुझे 6% के हिसाब से आप 9 महीने का ब्याज बता दीजिए, जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, क्या बोला मैंने, 11,719 रुपए पर मुझे आप 6 महीने का ब्याज निकाल दीजिए, कितना अमाउंट आएगा जल्दी से बताइएगा, मैं वेट कर रहा हूं आप लोगों का, प्लीज जल्दी बताइए। हाँ जी बताइए कितना अमाउंट आएगा, हाँ जी जल्दी करिए, 11,719 पर 6% निकालो, कितने दिन के लिए, केवल 9 महीने के लिए, तो कितना अमाउंट बता रहे हैं बेटा, कितना बताया, 527.3, तो केवल 527 ले ले। हाँ जी ये कितना बताया बच्चों ने, 527 रुपए, ठीक है। अब 527 हो गया, अब इसे क्लोज करें साल के अंत में, इधर भी क्लोज करेंगे, यहां पर क्या आएगा, उधर तो टोटल करो पहले, आप तीनों को टोटल करो, यहां पर क्या आ जाएगा, 31 मार्च 12 को टू बैलेंस कैरिड डाउन, और बैलेंस कैरिड डाउन आपको मैं बता दूं क्या आएगा, देखिए 11,719 रुपए प्लस में 527 रुपए, क्योंकि ये प्रिंसिपल बचा है प्लस 9 महीने का ब्याज बचा है, यही अमाउंट आएगा, फिर भी आप कैलकुलेट कर लो जरा,
मुझे बताओ कितना अमाउंट आएगा, पहले तो क्रेडिट साइड का टोटल करो जल्दी से, क्रेडिट साइड का टोटल करो, यानी कितना है ये 16,328 प्लस में 234 रुपए प्लस 527 रुपए, तो ये कितना आ गया आपका 17,089, 17,089 आ गया। अच्छा इधर भी इतना ही अमाउंट आएगा, जरा देखें हम 089। अब आप चाहें से बैलेंसिंग फिगर निकाल लो या फिर इन अमाउंट को टोटल कर लो, दोनों सेम आना चाहिए जहां तक मुझे लगता है, आप एक बार फिर भी चेक करके देखो आप, ठीक है ना। इसमें से आप क्या करो, 17,089 में से ये 4,843 माइनस कर दो, कितना आ रहा है आपका बताइए, 12,246। अच्छा 12,246 आ रहा है, अब 12,246 में से आप जरा ये 527 माइनस करो, कितना आ रहा है, यही अमाउंट आ रहा है, तो यहां पर हमारा कितना आ जाएगा अमाउंट, 12,246 रुपए, ठीक है। ये दोनों का टोटल कर लो चाहे ये बैलेंसिंग फिगर निकाल लो, एक ही अमाउंट आएगा हमारे पास ये। चलिए जी अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट ईयर पर, यहां पर आ गए हम लोग 1/4/2012 को, यहां पर हम लिखें बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस लिख रहे हैं, ओपनिंग बैलेंस कितना आ जाएगा, यही आ जाएगा 12,246 रुपए। अब इसमें आप 30 जून को ब्याज दीजिए क्योंकि पेमेंट होनी है, तो 3 महीने का ब्याज और लगेगा। अब ब्याज कैसे लगेगा, देखो इस अमाउंट पे 9 महीने का लगा चुके, 3 महीने का और लगाओ, 11,719 पर 6% के हिसाब से 9 महीने का, सॉरी 3 महीने का ब्याज। अच्छा मैं यहां जर्नल एंट्रीज नहीं कर रहा हूं, मैं एक काम करता हूं पहले, क्योंकि वर्किंग नोट की तरह ही काम कर रहा हूं मैं यहां पे, क्योंकि एग्जीक्यूटर के अकाउंट में चीजें डालनी है, तो मुझे ये जर्नल एंट्री करते हुए अमाउंट चाहिए थे, तो मैंने इसीलिए स्पेस छुड़वा दिया, और ये एक बार अकाउंट पूरा हो जाए उसके बाद मैं आपको जर्नल एंट्री यहां साथ साथ करवा दूंगा, ठीक है ना, इसके बेसिस पर, क्यों वैसे तो होना क्या चाहिए जर्नल एंट्री, पर एग्जामिनर को कहां पता लगने वाला है, आपने जर्नल एंट्रीज का स्पेस छोड़ा हुआ है, यही वर्किंग कर रहे हैं हम, ठीक है, तो इसी वर्किंग के हेल्प से हम जर्नल एंट्रीज कर लेंगे। चलिए तो मुझे पहले तो 11,719 पर 6% के हिसाब से आप कितने दिन का ब्याज निकालो मुझे बताओ, मुझे आप निकाल कर दे दीजिए 3 महीने का ब्याज। हाँ जी तो बताइए कितना आ रहा है, कितना बता रहा है, 175.785, तो भाई 176 रख ले, 176 रखो जी आप, 176 अमाउंट आ गया, ठीक है पक्का, देख लीजिए गलत तो नहीं कर रहे हैं हम कुछ, पक्का, चलो ठीक है 176 आ गया। अच्छा अब इसे पेमेंट करें, ये पेमेंट होगी 30/6/12 को टू बैंक, क्या क्या पेमेंट होगा देखो, एक तो 3,906 रुपए की पेमेंट होगी क्योंकि प्रिंसिपल है, प्लस 527 का ब्याज 9 महीने का, और प्लस 176 का ब्याज कितने हो गया 3 महीने का, ठीक है। अच्छा इन तीनों का टोटल कर दो मुझे आप बताओ कितना अमाउंट आ रहा है ये। हाँ जी तो 3,906 प्लस में क्या करेंगे आप 527, और ये कर दीजिए प्लस 176, तीनों को प्लस कीजिए, बताइए कितना आ रहा है, कितना बता रहे हैं जी 4,609, 4,609 रुपए आ गया, ठीक है। अब आइए भाई अभी तो साल खत्म नहीं हुआ, हमें तो जाना है 31/3/12 तक, 31/3/12 पे क्या करेंगे आप, फिर इंटरेस्ट accrued but not due की एंट्री डालेंगे, और वो अमाउंट इस बार कितना आएगा देखो 11,719 बचा हुआ था, जिसमें से 3,906 का प्रिंसिपल तो चला गया, तो रिमेनिंग प्रिंसिपल कितना बचा मुझे बता दीजिए, कितना बता रहे हैं आप लोग बताइए, कितना 7,813 रुपए, 7,813 रुपए बच गए, इस पर आप 6% के हिसाब से मुझे 9 महीने का ब्याज निकाल के दे दीजिए, बताइए कितना अमाउंट आएगा जल्दी बताइएगा। हाँ जी मैं वेट कर रहा हूं, बताइए कितना, 352 रुपए, 352 बताया बच्चों ने, ठीक है। चलिए तो इस साल को भी अब क्लोज करेंगे हम, मुझे इसका टोटल बताइएगा आप, और इस साल को भी क्लोज करेंगे, और इस साल के क्लोजिंग में देखो क्या आएगा 31/3/13, अच्छा ये मैंने 12 लिख दिया, ये 13 है बेटा, तो यहां पर बैलेंस
कैरेट डाउन आना चाहिए, चाहे बैलेंसिंग निकाल लो। मैं तो कहता हूं ये लिख दो 7813 + 352 रुपए, 7813 + 352 रुपए, मुझे बता दीजिए कितना आ जाएगा, कितना बता रहे हैं, 8165, 8165 रुपए आ गया। अच्छा इनका टोटल कीजिए आप दोनों साइड का, डेबिट और क्रेडिट का, देखना मैच कर जाएगा, क्योंकि ये बैलेंसिंग फिगर मैंने इधर से निकाली है, आप दोनों को करते तो भी बात वही आती, क्योंकि मैंने क्या किया, प्रिंसिपल जो बचा हुआ है प्लस इस साल का इंटरेस्ट एक्रूड बट नॉट ड्यू कर लिया, कितना बता रहे हैं 12,774 रुपए, 12,774 रुपए आ गया। ठीक है जी, 12,774 रुपए डन। अब आगे आए यहां से हम लोग, तो अगले आते हैं हम लोग 1/4/13 को। ठीक है जी, अच्छा हमने कितनी अमाउंट इंस्टॉलमेंट पे कर दी, पहला अमाउंट तो सीधा जाना था, एक इंस्टॉलमेंट ये और दूसरी ये, दो किस्तें जो पे कर चुके हैं हम आते हैं। चलिए 1/4/13 पर आते हैं, और यहां पर आ जाएगा हमारे पास बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन। ठीक है जी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन आ गया, कितना यही अमाउंट आ गया 8,165 रुपए, क्योंकि ये क्लोजिंग था, 8,165 रुपए आ गया। अब हमें 30 जून को पेमेंट करनी है, उससे पहले क्या करेंगे भाई, उससे पहले इंटरेस्ट देंगे 3 महीने का, चलिए इंटरेस्ट निकाल लें, बाय इंटरेस्ट अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, यही 7,813 रुपए पे 6% के हिसाब से 3 महीने का ब्याज, 9 का पहले निकाल चुके हो, 3 का अब निकाल रहे हो इस अमाउंट पर। ठीक है, चलिए बताइए कैलकुलेट करके कितना अमाउंट आएगा, कितना बता रहे, राउंड ऑफ करके बताओ कितना, 117 रुपए। ठीक है, 117 रुपए का ब्याज आ गया। अच्छा अब पेमेंट कर दें, यहां पर पेमेंट होगी 30 जून 2013 को टू बैंक, और मैं बताऊं आपको पेमेंट क्या करेंगे, हम प्रिंसिपल का पेमेंट करेंगे प्लस इंटरेस्ट उस पर जो बना है, 9 महीने का बना था 352 और ये बना है 117 रुपए। चलिए इन तीनों का टोटल कर दीजिए, मुझे बताइए कितना अमाउंट आ रहा है, कितना 4,375 रुपए का अमाउंट आ गया। चलिए अब ये तो 30 जून की बात है, 31 मार्च तक जाना है, 31 मार्च पर आ जाइए, फिर इंटरेस्ट दीजिए, अब इंटरेस्ट किस अमाउंट पर देंगे, अब आप काम कीजिए 7,813 में से 3906 माइनस कर दीजिए, क्योंकि ये प्रिंसिपल अमाउंट चला गया है। ठीक है, अब बचा हुआ अमाउंट है उस पर ब्याज लगेगा, तो अब मुझे बताइए 7,813 में से 3,906 चले गए तो कितने बच गए, जल्दी बताइए कितना बता रहे हैं, 3,907, 3,907 पर आप 6% के हिसाब से 9 महीने का ब्याज लगा लीजिए, बताइए कितना अमाउंट आएगा, जल्दी बताइए कितना बता रहे हैं, जल्दी बताइए, मैं वेट कर रहा हूं, 176 राउंड ऑफ किया है ना, पॉइंट तो ठीक है, पॉइंट राउंड ऑफ कर लिया, 176 रुपीज आ गया। अभी एक साल और बचा हुआ है, मेरे पास स्पेस कम है, तो मैं इस पार्ट को इरेज करूंगा। ठीक है, पहले इसे क्लोज कर लें इस ईयर को। ठीक है, यहां पर आ जाएगा बैलेंस क्लोजिंग टू, सॉरी डेट डालें पहले, 31/3/14 टू बैलेंस कैरिड डाउन। तो मैंने कहा आपको बैलेंस कैरिड डाउन अलग से निकालना है, अलग से निकालो, मैं कैसे निकाल के दिखा रहा हूं, ये अमाउंट बचा हुआ है 3,907 प्लस इस साल का ब्याज, 9 महीने का ब्याज, तो देख लो कितना अमाउंट आ जाएगा, अपने आप बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा ये। चलिए तो बताइए कितना अमाउंट आएगा, पहले इन दोनों का टोटल कर लो, हाँ बताओ कितना आ रहा है, 4,083 रुपए, 4,083 यानी 83 रुपीज। अच्छा इन दोनों का टोटल करो कितना आ जाएगा, ये 8,000 कुछ आएगा, बताइए कितना आ रहा है, 8,458, 8,458 यानी 8,458। तो ये साल खत्म हुआ और इस साल के अंत में हमारे पास ये क्लोजिंग बच गया, इतना प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बचा हुआ है। तो ध्यान दीजिएगा, ब्याज प्रिंसिपल पर लगाइएगा, क्योंकि कंपाउंडिंग कर लेते, पर कंपाउंडिंग क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि साल पर तो खत्म वो 30 जून को ही करवा रहा है। ठीक है, इसीलिए इसी अमाउंट पर चल रहा है बार बार। चलिए अब एक काम कर रहा हूं मैं, जल्दी से आपके लिए मैं जर्नल एंट्रीज लिख देता हूं कुछ, क्योंकि ये स्पेस मेरे पास पड़ा हुआ है, तो इसको यूज कर ले, क्योंकि नहीं तो फिर इसको इरेज करेंगे चीजें चली जाएंगी वर्किंग नोट वाली। तो सबसे पहली एंट्री, आपने क्या किया था लास्ट,
आपने कैपिटल से सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में डाल दिए थे 17,400 रुपए, उसकी अगली एंट्री लिखिए, ये आ गए ट्रांसफर की, ये एंट्री हम कर चुके हैं, ये एंट्री करते हैं। अब हमने उसे पेमेंट किया, सोहन एग्जीक्यूटर अकाउंट डेबिट टू बैंक, कब हुई एंट्री? ये एंट्री हुई है बेटा 1 तारीख को हुई है, नेक्स्ट डे हुई है 1/7/10 को। मेरे पास इधर थोड़ा स्पेस नहीं छोड़ा था डेट के लिए, इसलिए मैंने डेट ऊपर लिख दी, ठीक है। बैंक कितना अमाउंट गया, ये गया 1,775 रुपए, 1,775 रुपए। नरेशन क्या आ गया, बीइंग अमाउंट पेड, ठीक है जी। तो ये इसकी तो एंट्री कोई आनी नहीं थी, मतलब हम पहले ही कर चुके हैं एंट्री नंबर 5 इसी के लिए की थी जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री नंबर 6 हमने इसके लिए कर लिया। आप कहें तो मैं एंट्री नंबर 6 लिखू इस पर, या आप टिक से समझ जाएंगे इसका कर लिया। अच्छा, क्लोजिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, ठीक है, इसकी एंट्री होगी। ये जो हमने इंटरेस्ट दिया है, एंट्री नंबर 7 करते हैं, हमने जो इंटरेस्ट दिया है उसे इसकी एंट्री करें। ये एंट्री कब होगी, ये होगी 31/3/11 को, साल खत्म होने पे होगा ना, देखो 31/3/11 को। तो हमें इंटरेस्ट देना है, तो हमने कहा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, सोहन के एग्जीक्यूटर अकाउंट में ये पैसा हमने ऐड कर दिया, कितना इंटरेस्ट का अमाउंट बना 703 रुपए का। चलिए जी, नरेशन क्या आ गई, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, आपने इंटरेस्ट अलाउ कर दिया उसको, ठीक है। चलिए 8th एंट्री पर आइए, 7th एंट्री किसकी थी, इसकी ब्याज की थी। 8th एंट्री में देखें, सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस आया, ओपनिंग बैलेंस की कोई एंट्री नहीं होती, फिर हमने इंटरेस्ट दिया, ध्यान दीजिए ये 9 महीने का इंटरेस्ट है पहली किस्त के लिए, 3 महीने का इंटरेस्ट अभी बाकी है, ये इंटरेस्ट आएगा 30/6/11 को, ये इंटरेस्ट भी देते हैं हम लोग। इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, कई लोग क्या करेंगे, इन दोनों एंट्री को कंबाइंड कर देंगे, कंबाइंड तो कर दोगे बट डेट तो अलग अलग है, दोनों को कंबाइंड डेट में कैसे डालोगे, इसलिए अलग अलग ही लिखो। ये 3 महीने का ब्याज टू सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना है, ये है 234 रुपए। आप समझ गए होंगे मैंने क्यों ये एंट्रियां दो रोक रखी थी, क्योंकि मुझे अमाउंट चाहिए थे और मैंने यहां कैलकुलेट कर ली। चलिए, एंट्री नंबर 8 हुई इसके लिए, अब आते हैं एंट्री नंबर 9 पर, यानी पेमेंट करनी है। पहला इंस्टॉलमेंट जाएगा, इसे मैं पहला इंस्टॉलमेंट नहीं मान रहा था, जो हमने ये पेमेंट किया तो आपने उसी समय पे कर दिया, 4 किस्तें जो बनाई थी 15,625 की उनकी बातें कर रहे हैं, ठीक है। तो एंट्री नंबर 9 ये होगी हमारे पास इसी डेट को, तो मैं डेट चेंज ही कर रहा, पेमेंट करनी है, तो सोहन का अकाउंट एग्जीक्यूटर का अकाउंट कम हो जाएगा क्योंकि आप उसे पे कर रहे हैं, यानी डेबिट हो जाएगा, और पेमेंट कर रहे हैं तो हमारा बैंक क्रेडिट होगा, कितने अमाउंट से, 4,843 यानी 843 अमाउंट पे कर दिया। नरेशन क्या आएगी, बीइंग अमाउंट पेड, या इसे लिख सकते हैं फर्स्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है, पहले इंस्टॉलमेंट का अमाउंट पे कर दिया जिसमें प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है। चलिए, अब आगे आए यहां से हम, ये अमाउंट हमने लिखा किसका, ये हमने पे कर दिया, ठीक है। अब आते हैं इंटरेस्ट की बात, फिर दोबारा से मार्च के एंड पर, तो एंट्री नंबर 10 पर आ जाइए, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, डेट डाल दूं मैं यहां पे 31/3/12 आएगा ये, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू, क्या आएगा हमारे पास, इंटरेस्ट डेबिट किया, क्रेडिट क्या होगा, सोन का अकाउंट, क्योंकि अभी पे नहीं हो रहा है, उसके अकाउंट में ऐड करके छोड़ रहे हैं आप, एग्जीक्यूटर पे तो होगा अगली जून को, तो इंटरेस्ट कितना हो गया 31/12 को, 527 रुपए, 527, ध्यान रखिएगा मैंने ये एंट्री इसके लिए की है, 527 के लिए, ठीक है। नरेशन वही, बीन इंटरेस्ट अलाउड, चलिए जी आ गया। अब एंट्री नंबर 11 पर चले, तो एंट्री नंबर 11 देखो कौन सी होगी, भाई क्लोजिंग और ओपनिंग की तो एंट्री होती नहीं है, तो बैलेंसिंग फिगर्स आते हैं, ठीक है, यहां पर आ जाए इंटरेस्ट 30/6/12 को क्या होगी एंट्री, इंटरेस्ट
account debit to सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना अमाउंट, तीन महीने का ब्याज बताओ कितना है, 176 रुपीज, 176 यानी आप क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट इंटरेस्ट और फिर पेमेंट, इंटरेस्ट इंटरेस्ट दो बार क्यों बोला, नौ महीने का इंटरेस्ट और फिर छह महीने का इंटरेस्ट और बाद में आपने पेमेंट की, तो नौ महीने का इंटरेस्ट छह महीने का इंटरेस्ट, फिर क्या करना है, एंट्री नंबर 12 जो आएगी हमारी, मैं थोड़ा इधर आ रहा हूं, कोई ऑनलाइन वाले स्टूडेंट्स के लिए कट ना रहा हूं, मैं थोड़ा इधर आता हूं वापस, एंट्री नंबर 12 पर आ जाए, ठीक है, एंट्री नंबर 12 में हम पेमेंट करेंगे सेकेंड इंस्टॉलमेंट की, डेट हमारे पास यही रहेगी तो मैं चेंज नहीं कर रहा, सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट कितना अमाउंट आएगा, देखो सेकेंड इंस्टॉलमेंट का 4609 रुपए, 4609 रुपए, 4609 रुपए, नरेशन क्या लिख दीजिए, बीइंग सेकेंड इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है जी, अब सेकेंड इंस्टॉलमेंट में प्रिंसिपल भी है और इंटरेस्ट भी है, अब मैंने कहां तक की एंट्रियां कर ली, यहां तक का काम मैंने कर लिया, अब मेरे पास स्पेस नहीं है नीचे जर्नल एंट्रीज के लिए, तो मैं ये स्पेस इरेज कर रहा हूं, ठीक है जी, चलिए तो आगे चले हम लोग, मैंने टिक कर दिया ना, मैंने यहां तक काम किया है, ठीक है, चलिए तो मैं इसको इरेज कर दूं, आप इसे नोट डाउन कीजिए जल्दी से, ठीक है ना, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं, तो आगे आते हैं हम, एंट्री नंबर हमने 12 लिख ली और यहां तक का हो गया हमारा काम, आपने लिख लिया है ना, नोट डाउन कर लिया, ठीक है, चलिए ये लीजिए मैंने इरेज कर दिया, एंट्री नंबर 13 पर आते हैं, अब हम एंट्री नंबर 13 देखें, एंट्री नंबर 13 होगी हमारी वही 31 मार्च को, तो मैं डेट डाल देता हूं 31 मार्च 13 है ना ये 31 मार्च, हाँ 13 ही है, तो इंटरेस्ट हमें देना है एग्जीक्यूटर को, सो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, और अमाउंट कितना है, ये अमाउंट आ गया 352 रुपए, 352, नरेशन क्या आ गया, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, ये तो आया 9 महीने का ब्याज, अब आए अगली एंट्री पर यानी एंट्री नंबर 14 पर 30 जून 2013 को, ठीक है, और दे दे इंटरेस्ट हम 3 महीने का, तो एंट्री यही होगी बस अमाउंट बदलेगा, सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, अच्छा 3 महीने का ब्याज कितना होगा, इसकी मैंने एंट्री अभी कर दी आपके पास 352 वाली, यहां पर आए ओपनिंग क्लोजिंग की एंट्री होती नहीं है, ये आ गया कितना है 117 रुपए, 117 रुपए, 117 रुपए, नरेशन वही सेम, बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, ठीक है, 15th एंट्री पर आए हम अब, ठीक है, 15th एंट्री में हमने क्या कर लिया, 9 महीने का ब्याज ये हो गया, 3 का ये हो गया, अब पेमेंट कर देते हैं, तो एंट्री क्या हो जाएगी, सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ठीक है, देखिए कितना अमाउंट आएगा आप मुझे बता दीजिए, कितना अमाउंट आ जाएगा हमारे पास, ये 4375 रुपए, 4375, अच्छा ये पेमेंट कर दी, अब साल के अंत पर चले हम लोग 31/3/14 को, इंटरेस्ट दे दे 9 महीने का रिमेनिंग अमाउंट पर, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, ठीक है, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोहन्स एग्जीक्यूटर्स अकाउंट कितना आ गया हमारे पास, ये 176 रुपीज, 176 रुपीज, नरेशन क्या आ गया इसका, चलिए इसका मैं नरेशन लिखना भूल गया, ये आप लिख दीजिएगा, बीइंग थर्ड इंस्टॉलमेंट पेड, ठीक है, इसमें लिख दीजिए बीइंग इंटरेस्ट अलाउड, चलिए अब मैं यहां 2 मिनट रोक रहा हूं आपको एंट्री नंबर 16 पर, क्योंकि मुझे आगे का काम करना है, ठीक है, तो मैं इस पार्ट को इरेज कर देता हूं, आप इसे नोट कीजिए।
ठीक है, मैं क्या एरियस कर रहा हूं, क्योंकि मुझे अभी ये फोर्थ ईयर का अकाउंट बनाना है, क्योंकि फोर्थ इंस्टॉलमेंट पे करनी है और दो एंट्रियां ही बची है, तो मैं इसको इरेज कर रहा हूं और ये एंट्रियां भी मैं इरेज कर देता हूं या इन्हें रोक लेता हूं, इन्हें बाद में इरेज करूंगा, पहले वहां जा रहा हूं। हाँ जी, तो मैंने क्या किया, देखिए बीच का पार्ट इरेज किया और मैंने नीचे का हिस्सा रखा हुआ है जो लास्ट में था। तो देखिए ये क्लोज हुआ था 31/3/14 को, तो मैंने ओपनिंग बैलेंस डाल दिया आगे चल के, ठीक है, ओपनिंग बैलेंस, यही ओपनिंग बैलेंस डाल रहा हूं मैं 4,083 रुपए। अब हमें 30/6/14 को इंटरेस्ट देना है, किस अमाउंट पर, इंटरेस्ट इसी पर दिया जाएगा 3906 पर, सॉरी 7 लिखा हुआ है, वो अप्रोक्सीमेशन है, इसलिए आखिरी इंस्टॉलमेंट का अमाउंट हमने ऐसे बढ़ा लिया, ठीक है। चलिए इंटू 6% कितने महीने के लिए, 3 महीने के लिए, 3 महीने के लिए, क्योंकि 9 महीने का तो निकाल चुके हो। चलो बता दो मुझे 3 महीने का ब्याज कितना आ जाएगा, ये कितना बता रहे हैं, 59 रुपीज, राउंड ऑफ है ना, 59 रुपीज राउंड ऑफ करके आ गया। चलिए अब इसे लास्ट इंस्टॉलमेंट पे कर दें 30/6/14 टू बैंक। चलिए जी कितना जाएगा, 3907 प्लस पिछला ब्याज यानी 176 यानी 9 महीने का प्लस 59 यानी 3 महीने का ब्याज, इनका टोटल कर लीजिए और ये हमारा एग्जीक्यूटर का अकाउंट फाइनली पे ऑफ हो गया, क्लोज हो गया। इसका टोटल बताओ मुझे कितना बता रहे हो, कितना, 4,142, 4,142 रुपए। अच्छा इनका टोटल बताओ, इसका भी यही आना चाहिए 4,142, ठीक है 4,142 रुपए। चलिए तो ये अकाउंट क्लोज हो गया, बस एंट्री और रह गई, यानी दो एंट्री और करनी है मुझे, मैं इन दो एंट्री को और लिख देता हूं। तो एंट्री नंबर, इसीलिए मैं बोल रहा था आपको 17-18 एंट्रियां हो जाएंगी। एंट्री नंबर 17, इंटरेस्ट, भाई 9 महीने का ब्याज तो दे दिया, 6 महीने का और देना है, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू सोहंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट, ठीक है, कितना अमाउंट आ गया, 59 रुपीज, 59 रुपीज। अच्छा ये डेट क्या है इसकी, इसकी डेट है 30/6/14, ये वाली डेट। अच्छा ये एंट्री और लिखी इसी डेट को होगी, 18th एंट्री, सोहंस एग्जीक्यूटर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक बीइंग फोर्थ इंस्टॉलमेंट, या आप कह सकते हैं लास्ट इंस्टॉलमेंट पेड, कितना है अमाउंट, 4,142, 4,142। चलिए जी तो ये क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया है, थोड़ा लेंथी था क्योंकि जर्नल एंट्रीज भी करनी थी, सारे अकाउंट भी बनाने थे, इसलिए थोड़ा टाइम लगा इस क्वेश्चन में, नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम क्वेश्चन नंबर चलेंगे 72 पर चलेंगे इसके बाद हम। चलिए हेलो स्टूडेंट्स, आई वेलकम यू ऑल ऑन SR अकाउंटेंसी क्लासेस। अब मैं ऑनलाइन स्टूडेंट्स के लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देता हूं। देखिए हमारा YouTube चैनल है SR अकाउंटेंसी क्लासेस के नाम से, इस चैनल पर आपको अकाउंटिंग रिलेटेड सभी वीडियोस मिल जाएंगे, अवेलेबल होंगे, ठीक है। और भी कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ यहाँ पर, मैंने आपको चैनल का नाम बता दिया है, चैनल का नाम है हमारा SR अकाउंटेंसी क्लासेस। आप हमारे चैनल को यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, YouTube.com पे जाइए, आपको हमारी सारी वीडियोस यहां पर मिल जाएगी। इसके अलावा आप चाहें तो हमें Facebook पर भी फाइंड कर सकते हैं, SR अकाउंटेंसी क्लासेस ही लिखना है आपको यहां पर भी, ठीक है। इसके अलावा मुझे एक और इंफॉर्मेशन देनी है आपको, सपोज आपके कोई डाउट्स आते हैं, आपके कोई डाउट्स हैं या फिर क्वेरीज हैं रिलेटेड टू आर वीडियोज और द टॉपिक विच वी हैव टॉट, जो टॉपिक हमने आपको पढ़ाए हैं उसके रिलेशन में कोई डाउट या क्वेरी है, तो आप मुझे YouTube पर जाकर ही कमेंट कॉलम में लिख सकते हैं। आप YouTube पर जाइए, जैसे वीडियो देखते हैं तो सबसे नीचे कमेंट कॉलम आता है, आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो कमेंट कॉलम में आप मुझे लिख सकते हैं अपने डाउट्स और क्वेरीज को, ओके। तो एक और चीज है आपके लिए, अगर आप मुझे कॉन्टेक्ट करना चाहें तो मैं आपको कॉन्टेक्ट नंबर दे देता हूं अपना, आर कॉन्टेक्ट नंबर इज 9261004x7, ये मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है, आप इसे हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आप चाहें तो व्हाट्सएप पे कॉल कर लीजिए या चाहें आप टेक्स्ट मैसेज भी भेज सकते हैं हमें, ठीक है, यानी आप व्हाट्सएप पर भी कर सकते हैं यहां पर हमसे कॉन्टेक्ट, और थ्रू कॉल या टेक्स्ट मैसेज हमें कर सकते हैं,
ठीक है, अगर आपको लगता है कि डाउट और क्वेरी कमेंट कॉलम में नहीं क्लियर हो पाएगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और टेक्स्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने आपको दे दिया है। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के लिए क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि जो भी लेटेस्ट वीडियोस हम अपलोड करते हैं आपको ऑटोमेटिकली एक अलर्ट आ जाता है, ठीक है ना, एक रिमाइंडर आ जाएगा कि हमने नया वीडियो अपलोड किया है। पर कब आएगा, जब आपने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, ठीक है। तो एक बात ये हो गई, और लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्लेलिस्ट। आप जब भी वीडियोस को देखते हैं तो अगर आप नॉर्मली चैनल पर जाएंगे ना तो आपको वीडियोस रैंडम ऑर्डर में मिलेंगे, हो सकता है चैप्टर 1 हो, उसके बाद चैप्टर 9 हो, चैप्टर 6 हो, कोई भी ऑर्डर हो सकता है, आई कैन नॉट प्रेडिक्ट ऑन दैट, ठीक है। तो आप क्या कीजिए, आप चैनल पर जाइए, वहां से प्लेलिस्ट में जाइए, प्लेलिस्ट में आपको क्लास वाइज अलग वीडियोस मिल जाएंगे, चैप्टर वाइज अलग वीडियोस मिलेंगे और एक सीक्वेंस में मिलेंगे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी आप लोगों के लिए, और अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमारी कंप्लीट वीडियोस के एसेस के लिए हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, नंबर मैंने ऑलरेडी आप लोगों को दिया हुआ है। थैंक यू।